मामले पे ऊपर उठे इस तरह। देखिए, हम चुनकर आए हैं भारतवर्ष के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। प्रधानमंत्री जी का कथन है, सबका साथ सबका विकास, यानी सबके साथ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ के लिए प्रधानमंत्री और योगी जी काम कर रहे हैं 22 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। लेकिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और हम अपने हिंदुस्तानियों के लिए कर रहे हैं। कोई आके घुसपैठ करके अवैध नागरिकता के नाम पर हमारे वहाँ रहने लगे, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो आसाम का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, उसको हमारे हिंदू मुसलमान के अधिकार पर काबिज होने का अधिकार नहीं है। वो जाति के आधार और धर्म के आधार पर मत बांटिए कि वो जो घुसपैठिए आसाम में रह रहे हैं वो एक धर्म विशेष के हैं। नहीं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी अधिकार छीन रहे हैं, हिंदुस्तान के ईसाइयों का और हिंदुस्तान के हिंदुओं का भी अधिकार छीन रहे हैं। तो इसको जाति और धर्म से नहीं देखना चाहिए। ममता जी का ये वो समय है ना, जब दीप टमटमाता है, जब बुझने वाला होता है तो और तेज से टमटमाता है। बंगाल में ममता जी का दीपक बुझने वाला है और ममता जी के दीपक का बुझते ही वहाँ पर जो वहाँ का दलदल है उसमें कमल खिलने वाला है, ये वो जानती हैं। इसलिए अपना संतुलन खोकर वो इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं। तो जो इस प्रकार की कोताही बरत रहा है वो दंड का अपराधी बन रहा, दंड उसको जेल भी भेजा जा रहा है। पहली सरकार है योगी जी की कि जो जेल भी अधिकारी भेज दिए गए, पहले कोई साहस नहीं करता था। पहली सरकार ये है कि जो जिलाधिकारी तक का सस्पेंड किए गए, प्रोजेक्ट अफसर तक का जेल भेजे गए। तो सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है और इस प्रकार की घटना करने वाले क्या है, इतना बिगाड़ के रख दिया गया था उत्तर प्रदेश को 15 सालों में कि अब अपराधी एक एक करके कर रहे हैं, जो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं उनको 2-4-10 दिन के अंदर उनका जवाब मिल जाता है। जो भी अपराधी जघन्य अपराध कर रहा है निश्चित रूप में इतना कड़ा दंड पाएगा कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां उसको याद रखेंगी कि अपराध गलत चीज़ होता है। अपराध को किसी भी प्रकार का जीरो टॉलरेंस है सरकार का। और जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब घटनाएं खत्म हो गई, घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इस प्रकार की जघन्य अपराध जो 2-3-4 अभी हुए हैं, आप देखेंगे कि जल्दी सरकार ऐसे अपराधियों को कानून के दायरे में लाएगी।